अच्छा ये है आर्टिकल, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा ग्रुप में इसको। तो ये है बिगिनर्स रोड मैप टू वेब डेवलपमेंट, ठीक है। आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं फिलहाल आपको ये समझा देता हूँ। बेसिकली वेब डेवलपमेंट में दो तरह के लोग होते हैं, एक फ्रंट एंड डेवलपर होता है और एक बैक एंड डेवलपर होता है। तो इसने सारे सारी चीज़ें बताई डिटेल से इसके अंदर ना, बैक एंड डेवलपर कौन होता है और फ्रंट एंड कौन होता है। दोनों की जॉब्स हैं, ठीक है। इनफैक्ट दोनों में अगर आप डिटेल में जाएं ना, तो टेक्नोलॉजीज बहुत सारी आ जाती हैं, बैक एंड की बहुत सारी आ जाती हैं, फ्रंट एंड की बहुत सारी आ जाती हैं। तो आप किसी एक टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो जाएं तो आपको जॉब मिल जाएगी इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उसने कहा जी व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट से मुराद यही है ना, मतलब आप वेबसाइट्स बनाना। वेबसाइट्स मुख्तलिफ तरह की होती हैं, ठीक है। तो फेसबुक भी तो बनाई है ना किसी ने, गूगल भी तो बनाई है ना किसी ने, माइक्रोसॉफ्ट की साइट है, बहुत सारी हैं। तो जो बेसिक इस पे कह रहे हैं, ये फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। और बेसिक फ्रंट एंड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये आती हैं जनाब, आप ये तीनों में एक्सपर्टीज हासिल कर लें, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, यही है फ्रंट एंड, यही है। लेकिन इसमें भी प्रोग्रामिंग है, HTML CSS में नहीं है प्रोग्रामिंग, सिंपल कोडिंग है, वो प्रोग्रामिंग वाली कोडिंग नहीं है इसके अंदर। सिंपल प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेट करनी होती हैं जस्ट। लेकिन बहाल CSS में लॉजिक्स हैं इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट टोटल प्रोग्रामिंग है। लेकिन ये है कि CSS के फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं, जिसमें काम करना आसान हो जाता है। जिसको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती ना, तो थोड़ी बहुत उसको गाइडेंस मिल के ना वो चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं उसको। मतलब यूँ समझ लें कि आपको कोई मशीन तैयार करने को दी जाए और आपको जो पुर्जे दिए जाएं वो कर दिया जाए, आपको हथौड़ी दी जाए, उसके साथ आपको छोटी सी ग्राइंडर दे दी जाए, ये तीन चार जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं। और आपको कहा जाए जी ये जो आपने मशीन तैयार करनी है ना, ये इन पुर्जों से तैयार कर, छोटे छोटे जो टूल्स हैं इनसे तैयार करनी है। अब बजाय वो जो छोटे छोटे टूल्स हैं उसकी बजाय आपको खराब मशीन दे दी जाए कि इसको यूज़ करते हुए मशीन बनाएं, तो आप मुझे बताएं कि वो जो छोटे छोटे टूल्स हैं उसको यूज़ करके हुए आप वो चीज़ जल्दी तैयार कर लेंगे या खराब मशीन को यूज़ करते हुए जल्दी तैयार कर लेंगे? खराब मशीन को, बिकॉज खराब मशीन जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। चीज़ तो उससे भी और छोटे छोटे टूल्स में से भी बन जाएगी, लेकिन वो पता नहीं कितने सालों में बनेगी और परफेक्ट बनती कि नहीं बनती। तो जावास्क्रिप्ट और इसके फ्रेमवर्क्स का यही हिसाब है। जावास्क्रिप्ट जो है ना, वो यूँ समझ लें उसने टूल्स दिए हैं आपको, बेसिक टूल दिए हैं बेसिक, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं वो उसके ऊपर बड़ी टेक्नोलॉजीज खड़ी की हुई हैं। तो वो बंदा उनको यूज़ करते हैं, वो चीज़ जल्दी तैयार कर लेता है, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में काम करें। हाँ ये है कि जहाँ पे आप फंस जाएंगे वहाँ पे फिर आपको डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में आना पड़ेगा, लेकिन जो काम करने वाले होते हैं वो फ्रेमवर्क के थ्रू हो जाता है और वो जल्दी हो जाता है। एक चीज़ जो डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में आप बनाना चाहें तो हो सकता है वो महीने बाद बने, वो फ्रेमवर्क के थ्रू आपके हो सकता है 1 घंटे में बन जाए। फ्रेमवर्क भी जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बना हुआ है, उसके पीछे भी जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन वो उसको यूज़ करते हुए उन्होंने एडवांस चीज़ तैयार कर दी है। तो अनॉर्मली जो आजकल जो काम हो रहा है वो जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स में हो रहा है, डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में कोई भी काम नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह CSS के भी फ्रेमवर्क्स हैं, CSS कोर भी है यानी कि जो बेसिक है, और इसके ऊपर जो फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं वो भी हैं। तो इसमें भी ज़्यादातर फ्रेमवर्क्स में काम हो रहा है, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो डायरेक्ट CSS में CSS कोर में काम करें। कोर का मतलब ये होता है जो बेसिक है, CSS की भी कोर है, जावास्क्रिप्ट भी कोर है। तो इन दोनों को फ्रेमवर्क्स पे काम किया जाता है। अच्छा फिर इसमें फ्रंट एंड में और भी चीज़ें हैं, ये भी CSS का फ्रेमवर्क है, SAS रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स। ये वही जो मैं आपको बातें बता रहा था, एडिशनल चीज़ें हैं CSS के फ्रेमवर्क्स और जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स। आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीख लें और इसके फ्रेमवर्क सीख लें, आपको जॉब मिल जाएगी सिर्फ, क्योंकि हर किसी को इसमें काम करना नहीं आता। और ये सीखना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी, कैसे सीखना है आपने।
बैकएंड जो है ना, ये टोटल प्रोग्रामिंग है, इसमें डिजाइन नाम की कोई चीज नहीं है, ये प्रोग्रामर्स हैं, टोटल हार्ड प्रोग्रामिंग ये समझ लें, जेन्युइन प्रोग्रामिंग। इसमें सर्वर प्रोग्रामिंग भी आती है, डेटाबेस मैनेजमेंट भी आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आती है। तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है, फ्रंट एंड में इंटरेस्ट है उधर चले जाएं, बैक एंड में इंटरेस्ट है तो उधर आ जाएं, ठीक है। मतलब अभी हम ये समझेंगे सारी चीज़ें, एक दफ़ा मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ। फ्रंट एंड जो होता है ना, वेबसाइट की अपीयरेंस होती है, क्या होती है, जैसे ये आपके सामने वेबसाइट खुली हुई है, इसके जो आपके सामने पिक्चर्स, वीडियोस, टेक्स्ट, जो चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं, ये सारा इसका फ्रंट एंड है। डिज़ाइन जो बना हुआ है इसका सारा, आप HTML, CSS, JavaScript के थ्रू सारा डिज़ाइन और उसका फ्रंट बिहेवियर सारा डिसाइड करते हैं। उसके बैक साइड पे जो बिहेवियर है इसका, कि वो सर्वर से साइट वहाँ पे प्रोसेस कैसे हो रही है, साइट डेटाबेस के साथ उसका लिंक कैसे बन रहा है, वो सारा बैकएंड है। और मुझे बिजाते खुद बैकएंड पसंद है, मुझे फ्रंट एंड से कोई इतनी खास दिलचस्पी नहीं है, और मैं जो काम कर रहा हूँ बैकएंड में ही कर रहा हूँ सारा, ठीक है। तो व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, हाउ डू वेबसाइट वर्क, वेबसाइट काम कैसे करती है। वेबसाइट जो आपकी बेसिकली स्टोर होती है ना, वो किसी न किसी सर्वर पे स्टोर होती है। जब आप यहाँ पे google.com लिखते हैं तो वो गूगल के सर्वर में से साइट आ रही होती है आपके सामने, या आपके सामने डिस्प्ले होती है आके, ठीक है। तो मतलब सर्वर से आपका कनेक्शन होता है क्लाइंट का, किसी ब्राउजर के थ्रू। फ्रंट एंड बैक एंड का डिफरेंस बता दिया मैंने आपको। यहाँ पर एक और टर्म यूज होती है, फुल स्टैक वेब डेवलपर। फुल स्टैक कौन होता है, जिसको बैक एंड फ्रंट एंड दोनों आती हैं, और होते हैं ऐसे लोग, और फुल स्टैक की डिमांड है अच्छी खासी। अक्सर लोगों ने सीवीज बनाई होती है, लिखा होता फुल स्टैक वेब डेवलपर, उसका मतलब यही होता है उसको बैक एंड भी आती है, फ्रंट एंड भी आती है उसको, ठीक है। बैक एंड जो फ्रंट एंड वाला काम है ना, वो उससे ले लेते हैं फ्रेमवर्क्स के थ्रू, वो बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं, बैक एंड वाली बनी बनाई चीजें नहीं मिलती, बनानी पड़ती हैं आपको। ये और बात है कि वो आप एक प्रोजेक्ट बना लें तो आपको उस काफ़ी सारी चीज़ें दूसरे पे भी इस्तेमाल हो जाती हैं, आपको दूसरे प्रोजेक्ट में जाकर, इसलिए कहते हैं प्रोजेक्ट्स बनाओ। इसके प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो आपको सीख जाओगे ऑटोमेटिकली, दो चार महीनों में आप दो तीन प्रोजेक्ट्स बनाओ, आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। वही चीज़ें उठा उठा के आपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में डालनी है। हाँ, उसमें नई चीज़ें भी होती हैं, मतलब बेसिक चीज़ें होती हैं, मेन्यू कैसे बनाना है आपने, मेन्यू के पीछे फंक्शन कैसे लगाने हैं, वो तो सेम रहने हैं हर जगह पे, वो फ्रंट एंड है आपका, वो बैक एंड नहीं है, ठीक है। बैक एंड में ये होता है डेटाबेस के साथ कनेक्शंस कैसे क्रिएट करने हैं, डाटा कैसे लेके आना, डाटा स्टोर कैसे करना है, वो बैक एंड का काम होता है। तो डेटाबेस हैंडलिंग एक दफ़ा सीख लें सारी जिंदगी आपको नहीं भूलेगी, आपको वही होती है हर जगह, वही होती है डेटाबेस हैंडलिंग, ठीक है। अच्छा, और कोड एडिटर, ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जिसमें आप काम, नोट पैड में काम कर सकते हैं आप, लेकिन नोट पैड में करता कोई भी नहीं है। ये है VS कोड, एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, इसमें लोग काम करते हैं। फ्रंट एंड का जो काम करना होता है वो भी इसी में करते हैं, और जो बैक एंड का काम करना होता है वो भी इसी में करते हैं, ठीक है। तो क्या बात करी थी हम, कर रहे थे कि VS कोड एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप, जिसमें आप कोडिंग कर, कोई चीज़ जगह चाहिए ना आपको कोडिंग करने के लिए, कोई सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए ना। तो खैर, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, VS कोड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसके अलावा ये भी हैं सबलाइम टेक्स्ट, एटम, विम वगैरह वगैरह, आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, ये हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा तो देखना कि वो कौन कौन सी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी हमें, फ्रंट एंड के लिए कौन सी चीज़ें सीखनी है, बैक एंड के लिए कौन सी चीज़ें देखनी है। तो अब बेसिक फ्रंट एंड में बता रहा है जी, आपको सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा, HTML को आप 10 दिन में सीख सकते हैं, सिंपल है, इतनी मुश्किल नहीं है, बल्कि कुछ लोग तो उसको दो तीन दिन के अंदर सीख लेते हैं कंप्लीट। 10 दिन तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम बता दिया आपको। उसके बाद आप क्या सीखेंगे, CSS। तो CSS में स्टाइलिंग होती है सारी, आपकी साइट का जो फ्रंट एंड है ना सारा, स्टाइल, अपीयरेंस, एवरीथिंग, साइट कितनी खूबसूरत लग रही है दिखने में, वो सारी CSS में होती है, ठीक है। तो इसके भी मैं आपको बताया कि एक CSS कोर होती है, और फिर CSS कोर के ऊपर उसके फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। तो आप डायरेक्ट फ्रेमवर्क सीखें, CSS डायरेक्ट सीख लें, अच्छी बात है, बाद का ज़रूरत पड़ी जाती है, जो कोर की भी ज़रूरत पड़ी जाती है बाद का, जब आपका फ्रेमवर्क से कहीं जाकर स्टक हो जाते हैं तो फिर वो छोटी सी कोई प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है CSS की, वो फिर
ये भी आप 15 दिन में सीख सकते हैं CSSB कोर। उसके बाद जावास्क्रिप्ट, या यहां से प्रोग्रामिंग शुरू हो गई। जावास्क्रिप्ट टोटल प्रोग्रामिंग है। इसमें अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि उसमें वेरिएबल्स होते हैं, कंडीशन होती हैं, लूप्स होती हैं, एरेज, फंक्शंस, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, ये इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। CSS ने तो जस्ट आपको एक प्रेजेंट कर देनी है चीज़ आपको। जावास्क्रिप्ट ने क्या करना है, उसने यूजर से कॉन्टैक्ट करना है। मतलब अगर आप कोई फॉर्म वगैरह फिल करवा रहे हैं यूजर से, और वहां पे कहीं आपसे स्टूडेंट को, जैसे आप ईमेल बनाते वक्त अपना आईडी लिखते हैं ना, मैंने ये आईडी रखना है अपना, ईमेल बनाया कभी आपने, या ईमेल को भी छोड़ें, आप कहीं पर साइन इन पासवर्ड कभी लगाया कभी आपने आईडी पासवर्ड, तो अगर आप पासवर्ड लिखे बगैर एंटर कर दें, लॉगिन कर दें, तो क्या होता है, क्या होता है, मैसेज देते हैं आपको कि तो भाई पासवर्ड तो लिखो। वो कौन दे रहा होता है, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट आपको फौरन यूजर को रिस्पांस दे रहा होता है, यूजर ने सही डाटा एंटर किया है या गलत एंटर किया है। ये छोटी सी एग्जांपल है एक। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के भी फ्रेमवर्क्स हैं बहुत सारे। हाँ जी, क्या बात हो रही थी, जावास्क्रिप्ट कोर और उसके फ्रेमवर्क्स। ठीक है, अच्छा ये अब आप आ गया कि आपने सीखना कहाँ से है, सीखना कहाँ से, ये एक वेबसाइट बता दी उसने, टीम ट्री हाउस। ये मैं आपको इस पूरे आर्टिकल का लिंक शेयर कर दूंगा, आपके सामने ये लिंक भी खुल जाएगा। ठीक है, नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कह रहा है ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी डिग्री प्रोग्राम है, ऑनलाइन 4 से 5 महीने में आप ये सीख सकते हैं फ्रंट एंड। ठीक है, लेकिन ये फ्री नहीं है। ओके, सेकेंड ऑप्शन ये है कि ये वाला एक, ये भी है, यहाँ से भी आप सीख सकते, ये फ्री कोर्सेज है जनाब इसके ऊपर। ठीक है, मतलब यूट्यूब तो है ही है, आखिरी ऑप्शन तो यूट्यूब है, लेकिन अगर किसी वेबसाइट ने स्पेशली यही चीज़ ऑफर कर रही है तो फिर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर रही होगी, वहाँ से सीख लें आप। ठीक है, यूट्यूब तो लोग बेतहाशा लोग बैठे हुए हैं, वो सिखा रहे हैं, और सबका पर्पस यही होता है कि उनको व्यूज मिले। मतलब आपसे तो पैसे नहीं ले रहे, यूट्यूब से तो ले रहे हैं ना, लेकिन ये जो वेबसाइट पे अगर कोर्सेज रखे हुए हैं, इट मीन्स कि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, अच्छी चीज़ दे रहे हैं आपको। ठीक है, फिर एक यूडेमी है, ये तो बहुत फेमस वेबसाइट है, यहाँ पे सिर्फ वेब के नहीं पढ़े हुए, यहाँ पे तो हर चीज़ के कोर्सेज पढ़े हुए हैं, लेकिन इसमें फ्री वाले भी होंगे, इसमें पेड वाले भी होंगे। ये बहुत फेमस साइट है यूडेमी की। अच्छा, और ये YouTube तो है ही है फिर। ठीक है, अगर आपको कहीं से भी फ्री चीज़ नहीं मिल रही तो फिर YouTube पे आ जाइए, यहाँ पे भी बहुत अच्छे चैनल्स हैं। और ये देखो, उसने चैनल्स के नाम भी बता दिए, ये लें जी, HTML क्रैश कोर्स, CSS क्रैश कोर्स। अच्छा आर्टिकल है, उसने सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। और एक ये भी चैनल है, HTML एंड CSS ट्यूटोरियल। ठीक है, लर्न जावास्क्रिप्ट कोर्स, तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। अब मसला है कि वहां से आपके दिमाग में डाउनलोड नहीं हो सकती, सीखना पड़ेगा खुद आपको। ठीक है, टाइम देना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसके अलावा ये बुक्स भी हैं, बुक रीडिंग तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं करता, और बुक रीडिंग करनी चाहिए, बुक से आपकी वो फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। चैनल्स आपको हर चीज़ें तो नहीं बता सकते, वीडियोस आपको हर चीज़ें नहीं बता सकती, लेकिन बुक्स में एवरीथिंग लिखी होती है, जो जो चीज़ें वहां पर आप हैं सीखने वाली, वो सारी चीजें बुक्स में लिखी होती हैं। बुक से आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। जहां पे आप फंस जाएं, आपको हेल्प नहीं मिल रही, गूगल से भी नहीं मिल रही, वीडियो से भी नहीं मिल रही, फिर बुक से लाजमी मिलेगी आपको। ठीक है, और लोग फंसते हैं, जब आप प्रोफेशनली काम करेंगे ना तो आप जगह जगह फंसेंगे। आप फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो फिर आप बजाय दूसरों से हेल्प ढूंढने के, आप खुद दूसरों की हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है जनाब, तो टूल्स कौन कौन से हैं जनाब फ्रंट एंड के लिए, ये भी हमने देखे थे, ये कुछ और भी चीज़ें हैं। खैर, ये बाद की चीज़ें हैं, फिलहाल आप इस कंसर्न में ना पड़ें। आप डायरेक्ट हम चलते हैं आगे। एडिशनल फ्रंट एंड का हमने डिस्कस किया था कि CSS के फ्रेमवर्क्स हैं, और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के भी हैं,
जावास्क्रिप्ट के भी फ्रेमवर्क हैं। हाँ, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तो लोग आजकल पागल हुए पड़े हैं। रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, ये लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स हैं जावास्क्रिप्ट के। सिर्फ इन, अगर आप यही सीख लें तो इनकी जॉब्स हैं आपके पास। एंगुलर की जॉब्स हैं, रिएक्ट की जॉब, ये इसके हैं क्या, अजीब गरीब किस्म के नाम है। आप सिर्फ ये याद रखेंगे ये जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। और मकसद क्या है कि साइट को रिस्पॉन्सिव बनाना, वेबसाइट को, ठीक है। तो ये भी आप सीख सकते हैं। रिएक्ट के ट्यूटोरियल्स लाजमी पड़े होंगे यूट्यूब पे, एंगुलर के भी होंगे, व्यू के भी होंगे, ठीक है। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप सीख लें ये भी। ये देखें लिखा हुआ है, रिएक्ट वॉज क्रिएटेड बाई फेसबुक एंड मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क राइट नाउ। एंगुलर जो है ये भी बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, इसको किसने क्रिएट किया था, गूगल ने। व्यू भी है, मुख्तलिफ हैं। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट है? कह रहा सारे बेस्ट हैं, कोई सा भी सीख लें, ठीक है। एंगुलर सीख लें, रिएक्ट, रिएक्ट सीख लें, मेरा मशवरा, इसका बहुत ज़्यादा नाम है रिएक्ट का, ठीक है। चलें जी, फ्रंट एंड ख़त्म हो गई, अब अगला क्या आ गया, बैक एंड। और बैक एंड में सबसे बेसिक चीज़ क्या आपको पता होनी चाहिए कि सर्वर क्या चीज़ है, सर्वर से कांटेक्ट कैसे करते हैं, डेटाबेस क्या चीज़ है, ठीक है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपको सीखनी पड़ेगी जनाब, इसके बगैर गुजारा नहीं है। बैकएंड पे तो है ही, हार्ड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी हैं? PHP, पाइथन, रूबी, C#, जावा। इनके नाम बहुत खूबसूरत लगेंगे आपको, लेकिन खूबसूरती पर नहीं जाइएगा, ये इंतहाई रफ चीज़ें हैं सारी की सारी। यहाँ पे आपके सर के बाल उड़ा देंगे ये आपकी, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। खैर, मुझे इसमें से ये वाली लैंग्वेज पसंद है, मैं इसमें काम भी इसी में करता हूँ, C# में, ठीक है। तो बेसिकली मैं माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो फिर आप C# में ही काम करेंगे। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आप दूसरे ऑप्शंस क्या हैं, या तो PHP चले जाएँ, पाइथन में चले जाएँ, रूबी में या जावा में। जावा मुझे बहुत बड़ी लैंग्वेज है, मुझे नहीं पसंद ये जावा, मतलब मेरे ख्याल में ये मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज है, सिर्फ वेब के लिए नहीं है ये। इसमें पता नहीं क्या कुछ बनता है, वेबसाइट के अलावा इसमें डेस्कटॉप, मोबाइल एप्लीकेशंस, मतलब जो भी काम करना है ना, जावा का ऑप्शन है वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत बड़ी लैंग्वेज है ये। और अच्छा, ये सारी नहीं सीखने की ज़रूरत है आपको, कोई एक बस, और फिर उधर ही जाना है, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं जाना। मतलब इसमें होता है ना कि अगर आपने यहाँ से फर्ज करें लाहौर जाना है, और आप गलती से कोयटा वाली ट्रेन में बैठ गए, फिर वापसी का रास्ता नहीं है। हाँ, थोड़ा है, थोड़ी थोड़ी तो सारी एक जैसी हैं, मतलब सब के अंदर वही लूप्स हैं, वही कंडीशन हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म का फर्क आ जाता है, फिर आप उसको लाइन को चेंज नहीं कर सकते। आपने मोटरवे पे जाना था किसी, आपने वो उतरना था किसी, क्या कहते हैं उसको, हैं, स्टॉप जहां पे उतरना होता है यार, चेंज ओवर कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरचेंज पे उतरना था, आपको याद नहीं रहा, फिर निकल गए आप, फिर अब अगले इंटरचेंज से उतरेंगे आप। तो ये भी है, यही वो साहब है, होता यूं है कि जब आप किसी लाइन में पढ़ते हैं ना, तो आपको 10 साल गुजरने का पता ही नहीं लगता, 5-10 साल गुजरने का, और जब आप वहां पे पहुंच जाते हैं ना आगे, फिर आप कहते हैं यार काश मैं जावा में चला जाता, काश मैं PHP में, काश मैं, वो फिर काश वाला सिस्टम खत्म हो जाता, फिर आप मुड़ के वापस नहीं जा सकते, फिर 10 साल और लगाने पड़ेंगे उस फील्ड में एक्सपर्ट होते होते, इसलिए सोच समझ के। लेकिन ये सारी लैंग्वेज ठीक है, आप किसी में भी चले जाएं, मैं प्रेफर करूंगा C# या PHP को, ये दोनों जो है ना बहुत ज्यादा इन है, PHP बहुत ज्यादा है, 70% लोग प्रोग्रामर्स PHP के ही होते हैं। अच्छा, C# जावा का बता दिया। अच्छा, इनके अलावा एक और ऑप्शन भी है जनाब, नोड, ये भी बहुत फेमस है आजकल, नोड, ठीक है, PHP है। ये बात याद रखिएगा, ये सारी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, अब फ्रंट एंड की बात नहीं हो रही, बैक एंड की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब डेटाबेसिस भी आपको आनी चाहिए, अगर आप बैक एंड पे काम कर रहे हैं ना, तो आपको डेटाबेसिस का कंसेप्ट भी होना चाहिए। डेटाबेसिस में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं,
उसमें एक और लैंग्वेज आ जाती है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ये भी आपको आनी चाहिए। खैर ये इतनी मुश्किल नहीं है, ये आसान है। मतलब इसमें ये बाल का कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, लेकिन सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं है, इधर आसान है बस, एज कम्पेरेटिव टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, डेटाबेसिस बहुत सारी हैं जनाब, इसमें काम कर लें। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, माई, ये सबसे ज़्यादा ये यूज़ होती है माई एसक्यूएल वेब पे। उसकी रीज़न ये है ये फ्री है, बाकी इसके भी आपको पैसे देने पड़ेंगे और एक्ल के भी पैसे देने आपको पड़ेंगे। माई एसक्यूएल फ्री है और ये अच्छी एफिशिएंट डेटाबेस है, बड़ी डेटाबेस है ये, इसलिए ये धड़ाधड़ चल रही है, इस्तेमाल हो रही है वेब के ऊपर। अगर आप पीएचपी वाली साइट से जाएंगे ना, पीएचपी वाली साइट से, तो आगे आपको ये मिलेगा माई एसक्यूएल। अगर आप सी शार्प वाली साइट से आएंगे तो आपको ये मिलेगा, वही बात, अगर लाइन चेंज होगी ना तो फिर वापस मुड़ना मुश्किल हो जाता है, वो सारी चीज़ें डिफरेंट आना शुरू हो जाती हैं उस साइट से फिर। ठीक है ना, अच्छा जी, मैंगो डीबी, हाँ बिल्कुल, नोड का मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपको सिर्फ पीएचपी का सी शार्प का बता सकता हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा, सी शार्प में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम किया है, पीएचपी में थोड़ा सा आ गया था फिर वापस आ गया था। ठीक है, वाल एसक्यूएल तो सीखनी पड़ेगी आपको हर हाल में, चाहे आप किसी भी लाइन में हैं, वो डेटाबेस की लैंग्वेज है। ठीक है, तो बाकी ये उसने कुछ टिप्स दी हैं आपको। पहले टिप क्या है, डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग एट वंस। आपको डॉक्टर ने बोला है रोज एक गोली खानी है, और अब नहीं पूरे महीने की इकट्ठी खा लूँ मैं, आराम आ जाए इकट्ठा मुझे तो फिर पक्का पक्का आराम आ जाएगा। तो कह रहा सब कुछ एक वक्त में मत सीखें यार, स्टेप बाय स्टेप, एक दिन एक चीज फिर दूसरे दिन दूसरी चीज, इस तरह से। डोंट जंप अराउंड फ्रॉम ट्यूटोरियल टू ट्यूटोरियल, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। किसी एक चैनल को ढूंढ लें, यूट्यूब पर कोई एक चैनल पकड़ लें और उसी को फॉलो करें। एक दफा सारी चीजें सीख लेंगे ना, फिर आपको कोई चीज उसकी कोई समझ नहीं आ रही ना, किसी और से पूछ लें, दरमियान है ना, आप लाइन चेंज करें आप। ठीक है, नो दैट लर्निंग वेब डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म जर्नी। ये मत सोचेंगे जी, अक्सर लोग सोचते हैं जी फ्री लांसिंग शुरू की, 2 महीने बाद डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कम अज कम 1-2 साल का टाइम अपने जहन में रखें, वेब डेवलपमेंट की बात हो रही है, और ये वो स्किल है जो लॉन्ग टर्म स्किल है, ये शॉर्ट टर्म स्किल नहीं है। सीखने में अगर टाइम ज्यादा लग रहा है ना, तो कम अज कम आगे 30 साल तक आपको बेनिफिट देगी ये, छोटी छोटी स्किल नहीं है ये। और आखिरी बात के, अगर आपने एक वीडियो पूरा चैनल कोर्स देख लिया है, 50 वीडियोस का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सपर्ट हो गए हैं। आपको 7 प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, अपना पूरा पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा आपको। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कम अज कम 5-6 प्रोजेक्ट्स बनाए उसके ऊपर, बड़े वाले बना लेंगे, फिर हाँ कहेंगे हाँ यार मुझे कुछ आता है, अभी भी आप एक्सपर्ट नहीं हुए। एक्सपर्ट का मतलब ये कम अज कम उस लाइन में आप प्रोफेशनली 5 साल लगाएं, फिर आप कह सकते हैं हाँ यार मैं एक्सपर्ट हूँ। वैसे कुछ लोग 2-3 साल में बन जाते हैं, डिपेंड करते हैं, मतलब एक्सपर्ट बंदा तब बनता है जब उसको ऊपर लोड डाला जाता है काम का, हाँ जी ये भी बनाओ ये भी बनाओ ये भी बनाओ, एक ही वक्त में लोड पड़ जाता है, फिर वो काम करता है, फिर कह सकते हैं हाँ जी वो एक्सपर्ट है। खाली लेक्चर अटेंड करने से कुछ नहीं होता। ठीक है जनाब,